हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करना। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोगों ने सरोज भाभी का कल वीडियो तो देख ही लिया होगा जहाँ पर उन्होंने बोला कि उनका चैनल डिलीट हो गया है। अब अगर हम लोग अच्छे से उनके चैनल का R&D करें, यानी कि उनके नए वाले चैनल का, तो कल से दो दिन पहले भी उन्होंने चैनल डिलीट का टाइटल लगा के एक वीडियो बनाया था। उसके बाद बीच में एक दिन का गैप लिया और उसके बाद दोबारा से एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनों की वजह से चैनल हुआ डिलीट। मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा यार, मतलब किसी की मेहनत होती है चैनल पे, बीइंग अ क्रिएटर हम ये मेहनत समझ सकते हैं कि जब किसी के चैनल पे बात आती है तो उस इंसान का हाथ पैर फूल जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, चाहे आपके 1000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 100 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, क्योंकि एक इंसान जानता है कि उसे अपने चैनल पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी मेहनत करने के बाद उसके चैनल पे एक एक सब्सक्राइबर जुड़ता है। तो जब सरोज भाभी ने ये टाइटल लगाया तो मैं एकदम से घबरा गई कि क्या बात कर रहे हो। मैंने जाके फटाफट चैनल सर्च किया तो देखा कि उनका चैनल वहाँ पे एज इट इज़ है। 4 दिन पुराना उनके चैनल पे वीडियो डला हुआ था, आज को मिला के आई थिंक 5 या 6 दिन हो गए होंगे, तो वो वीडियो डला था। उसके बाद मैंने तसल्ली से वापस जाके उनका पूरा वीडियो सुना। उन्होंने तो क्या डिक्लेयर कर दिया कि चैनल डिलीट हो गया है, लेकिन अभी चैनल उनका डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद उनके टाइटल पे था अपनों का नाम। अब अपनों में ऐसे कौन से इनके अपने हैं जिन्हें यूट्यूब से लेना देना है या जो YouTube को जानते समझते हैं, आप लोग समझते हैं। उसके बाद अगर ये एक टॉन्ट नहीं है या अगर ये एक डाउट नहीं है तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है। इसी तरीके के कुछ कमेंट्स, इसी तरीके के कुछ टॉन्टिंग बाजी की वजह से लास्ट टाइम भी सारी नंदो भाभियों के बीच में हो गई थी कॉन्ट्रोवर्सी। बड़ी मुश्किल से सब अपने अपने काम पे लग गए, सब ने अपना अपना चीज़ें इग्नोर कर दी, यहाँ तक कि सुनीता दीदी की मरने जीने तक की नौबत आ गई थी। उस लेडी ने आके सोशल मीडिया पे अपने मरने तक की बात कर दी थी, जिसकी वजह से सारे लोग घबरा गए। और सच में उस दिन तो हाथ पैर फूल गए थे कि उन्होंने वीडियो डाल दी, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। उस समय बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि अगर बस में हो तो उनके पास जाके उन्हें फटाफट देख लें, रोक लें कि वो ठीक तो हैं। ये स्थिति आ गई थी उस समय जहाँ पर अधिकतर लोग घबरा गए थे। जैसे तैसे करके वो कॉन्ट्रोवर्सी शांत कर दी। अभी सारा परिवार शांत है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्यों शांत है, क्योंकि सब अपने अपने एंड पे कहीं ना कहीं बिजी हैं और अपने अपने हिसाब से व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, प्लस जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ठीक है, अरमान मलिक हमारा आपका कुछ नहीं लगता, वो हमारे लिए कुछ नहीं है, क्रिएटर है, एक व्लॉगर है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं, जिसे कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन इनकी फैमिली का तो वो हिस्सा है, इनकी फैमिली का तो वो मेंबर है। जिस दिन उनका बिग बॉस में जाना फाइनल हो गया था, उस दिन इन्होंने ही कहा था कि हम बहुत खुश हैं कि हमारे जो चाचा हैं वो बिग बॉस के अंदर गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। वो आई थिंक इनका फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो था। उसके बाद इन्होंने पूरी जर्नी में उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके बारे में बात नहीं किया, उनके जिक्र नहीं किया। हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई उन्हें सपोर्ट करे, लेकिन ये तो परिवार है उनका, उनकी फैमिली है, और वो फैमिली जिसे उनका सब कुछ पता है। शायद ऑडियंस को कुछ चीज़ें अब पता चली हों या कुछ अब पता चल रही हों, लेकिन इनको सब कुछ पता होने के बाद, इनकी इतनी हेल्प करने के बाद, इन्होंने पूरी बिग बॉस की जर्नी में उनको सपोर्ट नहीं करा। इन्होंने सब कुछ देखा कि बाहर कितना ट्रॉलिंग हो रहा है, बाहर कितना कुछ हो रहा है। चलो मैं ऑडियंस की गलती नहीं मानती, क्योंकि ऑडियंस का कोई रिश्ता नहीं बनता उनसे, है ना। ऑडियंस को एक चीज़ एकदम से पता चली तो ऑडियंस का रिएक्शन जेन्युइन है कि उन्हें किसी के बारे में जब इतनी चीज़ें पता चलेगी तो वो बिल्कुल बोलेगी कि ये इंसान गलत है। लेकिन ये इनका तो परिवार था, इनकी तो फैमिली थी, इन्हें तो अच्छा बुरा सब पता था, लेकिन उसके बाद भी ये डे वन तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाद पूरी जर्नी में इन्होंने कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। पूरी जगह अरमान का ट्रॉलिंग हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इनके परिवार के बाकी लोगों ने हाथ जोड़ के तक माफ़ी मांगी, जिसमें सपना ने माफ़ी मांगी, सुनीता ने माफ़ी मांगी, कृतिका की मम्मी ने माफ़ी मांगी, पायल ने माफ़ी मांगी, बहुत लोगों ने माफ़ी मांगी जिस समय विशाल वाला कांड हुआ था। लेकिन ये सब चीज़ों से अपने आप को ऑलरेडी मतलब अलग कर चुके हैं, या ये अपने आप को फैमिली या अपना नहीं समझते, तो इन्होंने नहीं इंटरफेयर करा, विच इज़ ओके। आई वॉज नॉट लिटरली एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ बोले भी। ठीक है, अगर वो सेपरेट रह के प्राइवेट रह के खुश रहना चाहते है तो वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने कल टाइटल देखा तो अगेन उस टाइटल में अपने कौन हैं,
आपके पूरे परिवार में कौन है वो अपने जो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, जो आपका चैनल डिलीट करा सकते हैं, बिकॉज आपके मायके से तो कोई नहीं है यूट्यूबर, कोई व्लॉगर नहीं है, उनका बस तो नहीं चलता यूट्यूब पे कि वो स्ट्राइक दे दे। तो वो अपने से एग्जैक्टली इनका जो संदेह था वो किस पे था, कौन वो अपना, सपना, सुनीता, अरमान, पायल, कौन, क्योंकि इनके अलावा तो और कोई नहीं है ना जो आपको दे सकता है। तो उन्होंने अपने वाला जो टाइटल डाला ना, मैं उस टाइटल को आज एक्सपोज करती हूँ। हो सकता है कि इनका चैनल आने वाले दिनों में डिलीट हो जाए, लेकिन उसको डिलीट होने का कारण इनके अपने नहीं हैं जिन पे ये टाइटल इन्होंने डाल दिया कि मुँह से बोला भी नहीं और मुँह से बोल भी दिया। हो सकता है कल को बोलने की मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी ऑडियंस समझदार है, आपने नाम नहीं लिया जबकि आप ये जानते हो कि कितनी ज़्यादा हेट इस वक्त मलिक फैमिली को ऑलरेडी मिल रही है। बाहर के लोग उनके दुश्मन बने बैठे हैं, लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। वहाँ पे एक फैमिली मेम्बर होने के नाते आपको तो इस वक्त में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी जहाँ पर आपके चैनल को डिलीट होने का कारण गलती से भी या जाने अनजाने लोग उनको बोलने लग जाएं। लेकिन जाने अनजाने इन्होंने फिर से वही गलती दोहरा दी कि इन्होंने अपने वर्ड का जिक्र कर दिया, जिसकी वजह से लोग वापस से डाउट करने लगे हैं कि वो अपने कौन हैं जो इनका चैनल डिलीट करवाना चाहते हैं। अब क्योंकि आप दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते, अगर आपने दुनिया को खुद एक हिंट दे दी है तो आप वहाँ पे दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते, राइट। तो अब इनका चैनल डिलीट अगर होगा, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि एक महीना, आई थिंक मैक्सिमम एक महीना पहले इन्होंने बताया था कि इनके चैनल पे दो स्ट्राइक पड़ी हैं। क्लियरली, लाउड एंड क्लियर तरीके से इन्होंने बताया था गेमिंग ऐप का प्रमोशन करने की वजह से इनके चैनल पे दो स्ट्राइक पड़ी थी, जिसके लिए 7 दिन तक इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक थी। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जब आपको पड़ती है तो आप 7 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाते, लेकिन वो स्ट्राइक आपके चैनल पे 90 दिन तक एग्जिस्ट करती है। 90 दिन तक वो स्ट्राइक जो है वो हटती नहीं है, तो 90 दिन तक आपको बहुत फूट फूट के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि 3 स्ट्राइक जब आपके चैनल पे आती है तो विद इन 6 और 7 दिन के अंदर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो वापस नहीं जाती है। अगर कोई इंसान आपको स्ट्राइक दे रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है, तो वो आपकी स्ट्राइक वापस भी ले सकता है। आप उससे रिक्वेस्ट करें, उनको मैसेज करें, तो वो वापस भी ले सकता है। लेकिन जो YouTube से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है वो वापस नहीं जाती है। तो इनके चैनल पे वो स्ट्राइक मैक्सिमम एक महीना पहले आई थी, जिसकी वजह से इन्होंने 7 दिन तक वीडियो नहीं डाली थी। उसके बाद वो स्ट्राइक अगले 3 महीने तक एप्लीकेबल है, यानी कि ऑलरेडी इनके चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ी हुई थी। बस अगर एक और आ जाती तो इनका चैनल जो है वो क्या हो जाता, डिलीट हो जाता, लेकिन 2 आई थी। अब इस बीच या तो इनको एक और स्ट्राइक आ गई है, और वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन ही स्ट्राइक होगी, क्योंकि ये जिन अपने अपने अपनों के बारे में ये बोलना चाह रहे हैं, उन अपनों को अगर इनका चैनल बंद करवाना होता तो शायद उस कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम पर करवा देते, जब इन्होंने हाई लेवल की सब चीज़ें कर दी थी, वो तब करवा देते। उन्होंने तब भी नहीं करवाया तो वो अब क्यों करवाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हुई है, और इनको वापस से जो स्ट्राइक आई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो भी इनको गेमिंग ऐप के प्रमोशन की वजह से गाइडलाइन स्ट्राइक ही आई होगी, क्योंकि अगर नॉर्मल कॉपीराइट स्ट्राइक आती तो वो वापस भी हो जाती। YouTube की गाइडलाइन स्ट्राइक आई होगी, कम्युनिटी गाइडलाइन, इसीलिए हो सकता है कि 7 दिन के बाद इनका चैनल टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि गोलू ने जो है एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 और 5 बार गेमिंग ऐप प्रमोट किया था। 4-5 बार उन्होंने अपने चैनल पे गेमिंग ऐप प्रमोट किया था, उसके हिसाब से इनको गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी हैं। तो ये लोग ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये डिस्प्ले में लगाते कि देखो हमें अलाना फलाना इस बंदे के साइड से स्ट्राइक आई है। लेकिन वो स्ट्राइक किसी इंसान की साइड से नहीं आई होगी, वो यूट्यूब की तरफ से ही आई होगी, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब की पॉलिसी को ब्रीच किया है जाने अनजाने। तो अगर अपनों का नाम लेके वापस से इनका मोटिव कॉन्ट्रोवर्सी शुरू करने का है तो वो अलग बात है,
कि आपको कंट्रोवर्सी शुरू करनी है या आप चाहते हो कि वहाँ से कोई रिएक्शन आए या फिर आपको अपने नए चैनल को जो है वो प्रमोट करना है, वो अलग लॉजिक है कि अगर इस उद्देश्य से कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये साबित करने के लिए करना चाहते हो कि आपके परिवार के अपने लोगों ने आपका चैनल डिलीट कर दिया, तो अगर उन अपनों ने चैनल डिलीट करना होता तो वो बहुत पहले कर देते। अब तो वो अपने यहाँ है भी नहीं तो वो क्या चैनल डिलीट करेंगे, और उन अपनों को अगर चैनल ही डिलीट करना होता तो पहले उन सबके करते जिन्होंने हाई लेवल का उनका ट्रॉलिंग कर रखा है। उन्होंने आज तक कभी किसी का चैनल हैम्पर नहीं किया, उन्होंने आज तक कभी किसी के चैनल पे कुछ नहीं किया। बहुत अति भी लोगों ने मचाई होगी ना, अति भी, तभी भी मुझे लगता है कि हार्डली उन्होंने कभी किसी के चैनल को टारगेट किया होगा। उन्होंने अपने लिए हाई लेवल की चीज़ें भी सुनी है, हाई लेवल की ट्रॉलिंग भी सुनी है, पर बहुत कम आपने सुना होगा कि मलिक फैमिली की तरफ से किसी को स्ट्राइक गई है, बहुत हार्डली आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर सरोज भाभी के अपने वाले टाइटल से आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि किसी अपने ने कर दिया, तो ये अपने ने नहीं किया। आप जाके उनके चैनल पे खुद चेकआउट कर सकते हो कि जो उनको पहले की दो स्ट्राइक आई थी वो ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने पहले की थी। 90 दिन तक एक गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर एग्जिस्ट करती है, तो वो दो पहले से पड़ी थी और एक और इनको आ गई। इस वजह से हो सकता है आने वाले 6-7 दिनों में इनका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाए। इंसान की दी हुई स्ट्राइक फिर भी वापस की जा सकती है, फिर भी वापस ली जा सकती है, लेकिन अगर YouTube की गाइडलाइन स्ट्राइक आई है तो वो वापस नहीं होती है। और या तो आई ही नहीं कुछ है, या तो फिर ये खाली एक कंटेंट है नए वाले चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, ये हो सकता है। या तो आई नहीं है, और अगर आई है तो कम्युनिटी गाइडलाइन हाई है, तो उसके हिसाब से 7 दिन में इनका चैनल डिलीट हो जाएगा, पर अभी नहीं हुआ है। इन्होंने टाइटल डिलीट होने से पहले ही लगा दिया, अभी चैनल दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ना दिखे। जो टाइटल पहले आ गया है चैनल अभी भी है, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके से कन्फ्यूज़ मत हो। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी की प्लीज़ शुरुआत ना करें। बहुत मुश्किल से इनकी नंडो का और इनका जो मामला है वो ठंडा हुआ है, सब अपने अपने घर में सुकून की दो रोटी खा रहे हैं, आप भी सुकून की दो रोटी खा रहे हो तो। और आई थिंक इनको बॉदर भी नहीं है, इन्होंने पहले भी बोला था कि यूट्यूब से हमारा क्या ही होता है, हम लोग मेहनत करना जानते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, तो इनको कोई हार्डली ऐसा वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली चैनल जा रहा है, इसका दुख है कि किसी का चैनल जाता है, किसी की मेहनत जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ का ब्लेम किसी और पे लगाओ या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं उस टाइम पे। तो ये मैंने सोचा आज मैं एक रिएक्शन वीडियो के ज़रिए बोल देती हूँ कि अगर ये कोई कंट्रोवर्सी करने की शुरुआत है तो सच बताऊँ तो ये सही टाइम नहीं है। आपकी फैमिली ऑलरेडी सफ़र कर रही है, सारे फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहे हैं, और जो पिछले दिनों हुआ था ना उससे तो हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि अगर आपकी कंट्रोवर्सी किसी की जान लेने तक की नौबत पे आ सकती है तो ऐसी कंट्रोवर्सी आप लोगों को प्लीज़ नहीं करनी चाहिए। सब आपकी सारी नंदे, सब लोग अपने अपने घर में अपनी अपनी चीज़ें डील कर रहे हैं, इस समय सब परेशान हैं अपने अपने एंड पे। वहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली से ही कॉन्ट्रोवर्सी करना चाह रहे हो, अपनों का मतलब फैमिली होता है ना, अगर हम अपनों के इंग्लिश वर्जन करेंगे तो फैमिली, वरना बाहर के तो नहीं बोला ना आपने कि किसी बाहर के बंदे ने, आपने अपने टाइटल डाला है, तो इस चीज़ की वजह से ना कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है और ये राइट टाइम नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखा सकते तो आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करो जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और सबके सब डिस्टर्ब हो जाए, और सबसे ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि फिर आप भी गुस्सा होते हो, आपका भी टेम्परामेंट हाई है, आप ही चीज़ों को समझते नहीं हो कि आपने जाने अनजाने क्या चीज़ें लिख दी थी जिसकी वजह से मुद्दा बन गया। तो अपने एक्शंस को हमेशा ध्यान रखो कि आपकी बोली हुई चीज़ें, आपकी लिखी हुई चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले को टारगेट ना कर रही हो या सामने वाले को बोल ना रही हो, फिर सामने वाले का रिएक्शन आता है तो बात फिर बढ़ती है। तो ये मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।